मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी हर जिले में देखने को मिल रही है। चुनाव के लिए नामांकन का दौर भी लगातार जारी है। शुभ मुहूर्त को देखकर सभी दलों के प्रत्याशी नामांकन करने पहुंच रहे हैं। इसी बीच पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हीरा सिंह श्याम को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। हीरा सिंह श्याम के नामांकन पत्र दाखिल के दौरान केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। से आज हमारा भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो विकास के मुद्दों को लेकर काम कर रहा है और काफ़ी कुछ चीज विकास की योजनाएं जो क्रियान्वयन हैं उन्हीं योजनाओं को लेकर जमीन स्तर तक किस तरह से बहुत अच्छे ढंग से पहुंच पाए उन्हीं विषयों लेके जनता तक जाना होगा। और आपकी सरकार 20 साल तक रही यहाँ, फिर भी आपको इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ गई आपकी कार्यकर्ताओं को, क्या विशेष क्या है इसमें? जिस तरह से अगर बात करें प्रॉपर पुष्पराजगढ़ के, पुष्पराजगढ़ में विगत 10 वर्षों से कांग्रेस का विधायक है, जिनने कहीं ना कहीं जो शायद सरकार की योजनाएं जो हम लोग अच्छे बेहतर ढंग से और कुछ कर सकते थे हमारे क्षेत्र और समाज के लिए वो उन्होंने नहीं किए।